हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कैट 2022 के, जो कि अलजेब्रा वाले सेक्शन से आए थे। अगर आप लोग चैनल पे थोड़े एक्टिव हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं कैट 2020 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, और वो भी सेक्शन वाइज। अब तक हम लोगों ने अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, फिर हम लोगों ने ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करे, और अब चांस है हमारे पास अलजेब्रा के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑन अलजेब्रा क्वेश्चंस गाइस, ये अलजेब्रा क्वेश्चंस पर फर्स्ट सेशन है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उसको ज्वाइन नहीं करा है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए एंड बी बी नेचुरल नंबर। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एलजेब्रा वाले सेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है बच्चे, एलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करा रखे हैं और कुछ और टॉपिक्स मैं कवर कराने वाला हूं, तो एलजेब्रा की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग एलजेब्रा के टॉपिक्स कवर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने एलजेब्रा नहीं पढ़ा है कैट या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चंस करते टाइम क्वेश्चन को ढंग से रीड किया करो। एलजेब्रा के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि ए एंड बी नेचुरल नंबर है, तो हमें नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है ए एंड बी बी नेचुरल नंबर इफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू 14 एंड बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 28, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी, हमें 2a प्लस बी का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लोगों ने मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वेश्चन कैट 20 या 21 में एक बार ऑलरेडी आ चुका है, 20 या 21 में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहा है, बस डिजिट्स थोड़े अलग हैं, और हमसे जो पूछा जा रहा है पिछली बार पूछा गया था a प्लस बी, इस बार 2a प्लस बी पूछा जा रहा है, इट मींस हमें a और b का वैल्यू इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। इसको करने का सबसे इजिएस्ट वे ये है, देखो एक तरीका तो ये है कि आप a और b की वैल्यू अज्यूम करने शुरू कर दो कि वो कौन कौन सी वैल्यू है जो यहां पर सेट बैठ जा रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम लोग वैल्यू हिट एंड ट्रायल लगा लें। ठीक है, कि a इतना होगा b इतना होगा, और a और b की वैल्यू जो मैंने अज्यूम करी है वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट एग्जाम में चीजें हिट करती नहीं इतनी जल्दी से। ठीक है, एग्जाम में तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। एक तरीका मैंने बता दिया ना हिट एंड ट्रायल, कि a और b की ऐसी वैल्यू उसको सोच ली तुमने जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई। अगर ऐसी वैल्यू सोच रहे हो तो 2a प्लस बी का वैल्यू निकालना आई थिंक फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये सबसे अच्छा तरीका है। बट वैल्यू हिट करना एक टाइम के बाद हिट करती है, वो जब हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली हो तब हमें वैल्यू हिट करेंगी वो। ठीक है, अब अगर वैल्यू हिट नहीं कर पा रही है तो क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। कुछ चीजें इस क्वेश्चन में जो समझने वाली थी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास एक अमेजिंग फॉर्म बन जा रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो यहां से ए स्क्वायर यहां से बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से ए बी यहां से ए बी तो कितना बनेगा 2ab, यहां से a यहां से b तो आगे कितना बनेगा a प्लस बी, उधर इन दोनों की राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो कितना बनेगा 42 बनेगा ना। ये हमारे पास क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, क्या ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। आगे हमारे पास क्या बनने लग रहा है a प्लस बी, एंड दिस इज नथिंग किसके इक्वल्स टू है 42 के इक्वल है। ठीक है, ये बात आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और मुझे नहीं लगता है इसमें किसी कोई दिक्कत है, बस तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से आप लोग लेट कर सकते हो लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू टी, यहां से a प्लस बी को t अज्यूम कर लो तो ये बन जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल्स टू 42। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल्स टू 42 ये हमारे पास बन गया। यहां से आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके सॉल्व भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके करोगे तो 42 इधर आके माइनस 42 हो जाएगा, फिर t को हम ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट हमारे पास कितना है 42 है, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 70 माइनस 60 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 7 आएगा, आगे से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 7 आएगा। t की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, हाँ
ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास आने लग रही है यहां पर, अगर आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, टी की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ रहा है माइनस सेवन और एक टी की वैल्यू आने लग रही है सिक्स। ठीक है, व्हाट इज टी गाइस? टी क्या माना हुआ है मैंने? टी इज नथिंग ए प्लस बी। टी क्या है हमारे पास? ए प्लस बी है। ठीक है, और ए प्लस बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर है। ए प्लस बी तो नेचुरल नंबर है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या कभी दो नेचुरल नंबर का सम नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। टी क्या है? ए प्लस बी है, एंड ए प्लस बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? नेचुरल नंबर है। तो कभी भी दो नेचुरल नंबर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मींस ए प्लस बी का वैल्यू सिक्स हो सकता है, ए प्लस बी का वैल्यू सिक्स हो सकता है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये बताओ, दो ऐसे नंबर जिनका सम सिक्स है और वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दें, तो आप केसेस बना सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील गाइस, आप लोग केसेस बना सकते हो। ठीक है, केसेस जब आप बनाओगे तो आप बोलोगे सर ए को मैंने फाइव माना, बी को मैंने वन माना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ए को फाइव पुट करोगे तो फाइव का स्क्वायर 25 होता है, बाकी इनको ऐड करेंगे तो 14 आ रहा है, तो ए फाइव तो नहीं हो सकता। फिर आप फाइव वन भी, बी को भी फाइव रख सकते हो, फाइव का स्क्वायर 25, 5 × 1, 5, 30, ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला पेयर तो सेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको फोर मान लो या इसको टू मान लो, इनको रिवर्स इंटरचेंज करके भी चेक करो, ए को फोर बी को टू, एक बार बी को फोर ए को टू, दोनों केसेस सेट कर लेना एक बार में ही। ए को फोर रखो, फोर का स्क्वायर 16, यहां पर 14 है तो ये तो नहीं बनेगा। फिर ए को टू रखो, टू का स्क्वायर फोर होता है, बी को फोर रखो, फोर इंटू टू एट, एंड एट प्लस फोर 12, ए को मैंने कितना माना है? 2 माना है, 14, तो a इज इक्वल्स टू 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। जब a 2 है तो b 4 होगा, a 2 है तो b 4 होगा, b को 4 रखो 16, 16 प्लस 4 20 एंड 4 इंटू 2 8, यस a 2 b 4 सेटिस्फाई कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है 2a प्लस b, 2a प्लस b नहीं छोड़ूंगा मैं इसको आज। ठीक है, a कितना है? 2 है, 2 इंटू 2 प्लस b कितना है? 4। क्या 8 आंसर आने लग रहा है क्या? क्या 8 आंसर आने लग रहा है क्या? ठीक है, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन एलजेब्रा का हमारे एग्जाम में आया था कैट 2022 में। ठीक है, कैट 2022 में स्लॉट वन में हमारे पास ये एलजेब्रा का क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर कितना आने लग रहा है? 8 आने लग रहा है। ठीक है, 2a प्लस बी का वैल्यू निकालना था, a 2 b 4। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहला तरीका हिट एंड ट्रायल वाला है, हिट एंड ट्रायल से हो सकता है आपको a और b की वैल्यू ये हिट कर जाए, हो सकता है कि आपको a 2 हिट कर जाए, b 4 हिट कर जाए, पॉसिबिलिटी है इस चीज की, ये हिट कर सकते हैं आपको वैल्यूज। ठीक है, इसके टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हिट कर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर तो आपको इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है। और एग्जाम में अगर चीजें नहीं हिट कर रही है तो हमें काम करना पड़ेगा, हो सकता है कल को थोड़े बड़े नंबर आ जाए, तब हम लोग सोच भी ना पाए। सो ये लिखने वाला तरीका तो तब भी वैलिड है, ठीक है, ये कभी फेल नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाँ, सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन गाइस, हमें बताना है फॉर नेचुरल नंबर। देखो ये क्वेश्चन को जरा ढंग से पढ़ा करो, ठीक है, फॉर नेचुरल नंबर एक्स वाई एंड जेड, अगर एंड है तो कॉमा नहीं आएगा, एक्स वाई एंड जेड, ये नेचुरल नंबर है, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, ना तो नेगेटिव में होंगे ना डेसिमल में होंगे, ना नेगेटिव में होंगे ना डेसिमल में होंगे। आगे बोला जा रहा है एक्स वाई, आगे बोला जा रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 19, वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर 51, तो क्यों ना इसमें से वाई कॉमन ले लो, क्यों ना इसमें से वाई कॉमन ले लो। अगर वाई कॉमन ले लिया मैंने, क्या हो गया ये इसको, अगर मैंने वाई कॉमन ले लिया यहां पर, ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा हमारे पास, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 19, नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर का सम भी तो एक नेचुरल नंबर होगा ना, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो जेड कॉमन ले लो यहां से, तो अंदर आ जाएगा वाई प्लस एक्स, ठीक है 51 आने लग रहा है, कॉमन दिखाई दिया था पहली लाइन में, वही मैंने कॉमन ले लिया। मुझे क्या निकालना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि तीनों के प्रोडक्ट का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। आई हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, आप मुझे बताओ एक्स वाई जेड आर द नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है तो एक्स प्लस जेड भी तो नेचुरल नंबर होगा ना, एक्स प्लस जेड भी तो नेचुरल नंबर होगा ना। ठीक है, अब खुद सोचो, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 19 है, इसको आप एक एंटिटी की तरह ट्रीट करो,
y एक अलग एंटिटी है, x प्लस जेड एक अलग एंटिटी है, आप इनको अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 19 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 19 है, हाउ इज इट पॉसिबल गाइस? दो नंबर्स का प्रोडक्ट 19 है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो पहला तरीका यह, आप इसको 1 मान लो, इसको 19 मान लो, दिस इज द फर्स्ट वे, या आप y को 19 मान लो, इसको 1 मान लो। ये 19x प्लस जेड का वैल्यू है बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है, ये 19x प्लस जेड का वैल्यू है। सेम एज यहां पर ये 51 है, ठीक है। अब पहला केस लेते हैं, ध्यान से देखना, अब पहला केस लेते हैं जब y 1 है, जब y 1 है और y 19 है, ठीक है। अच्छा 51 में क्या केस बनता है? 51 में केस बनता है हमारे पास एक तो 1 into 51 और एक बनता है 51 into 1। कभी भी दो नेचुरल नंबर का सम 1 से बड़ा होगा तो ये वाला केस तो फेल हो गया। दो नेचुरल नंबर का सम तो 1 से बड़ा होगा ना, ये वाला केस तो फेल हो गया। सिमिलरली दो नेचुरल नंबर का सम 1 से बड़ा होगा, इधर ये वाला केस भी फेल हो गया। तो इट मींस यही वाला केस वैलिड होगा यहां पे, तो यहां पे तो ये वाला केस वैलिड होगा, ठीक है। इधर से वाला केस हटा दो, ठीक है। अब देखो जरा इस वाले केस को कंसिडर करो और इधर इसको कंसिडर करो, ध्यान से देखना जरा। इन केस के अकॉर्डिंग y कितना आ रहा है? 1 आने लग रहा है, y तो 1 ही होगा, ये बात तो श्योर शॉट है, y तो 1 होगा। अगर y 1 है, अगर y 1 है, y प्लस x का सम 51 है तो x 50 आएगा। x यहां से कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। इस वाले केस से x कितना आया? 50 आया। और z कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आने लग रहा है। तो y भी 1 है, z भी 1 है, x भी 50 है। बट क्या ये चीजें यहां पर सेटिस्फाई होने लग रही है क्या? यहां पर तो x प्लस जेड का सम 19 था ना, वहां पर x प्लस जेड का सम 51 है, तो इट मींस ये वाला केस भी नहीं बनेगा। ये भी इनवैलिड था, ये भी इनवैलिड था। ये वाला क्यों इनवैलिड था? क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सम 1 से बड़ा हो, y x प्लस जेड y प्लस x 51 है। एक केस ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जेड को 3 ले लो, y प्लस x को 17 ले लो, या जेड को 17 ले लो और y प्लस x को 3 ले लो, ये भी तो केस वैलिड है। जेड को अगर मैं 3 लेता हूं, अगर मैंने देखो ये वाला, यहां से सिर्फ एक ही पॉसिबल केस आ रहा है, इससे तो सिर्फ यही आउटपुट निकलेगा, कुछ और आउटपुट नहीं निकलेगा, ये बात श्योर शॉट है, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो भैया x प्लस जेड का सम 19 होगा और y 1 है, इसलिए y को मैंने अलग लिख दिया, y तो 1 ही होगा। x प्लस जेड का सम होगा 19, x प्लस जेड का सम होगा 19, ठीक है। अब मुझे बताओ x प्लस जेड का सम 19 कहां से आने लग रहा है? मेरे हिसाब से यहां से आएगा, x प्लस जेड का सम 19 यहां से आएगा। देखो जेड 17 आने लग रहा है, यहां से जेड 17 है, y तो 1 है, y प्लस x का सम 3 है जिसमें से y 1 है, तो x कितना आएगा? 2 आएगा। तो x प्लस जेड का सम 19, यहां पे भी 19 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो देखना जरा इससे क्या वैल्यू आ रही है। जेड की वैल्यू तो 3 आने लग रही है, अगर जेड का वैल्यू 3 आ रहा है तो x प्लस जेड कितना है? 19 है, तो x कितना होगा? 16 होगा। x 16 तो y कितना है हमारे पास? 1 है। यहां पर भी सेटिस्फाई करने लग रही है सारी वैल्यूज, ठीक है, ये यहां पर भी सेटिस्फाई करने लग रही है वैल्यूज, बहुत बढ़िया, ठीक है। y तो 1 है ही हमारे पास, अब हमें प्रोडक्ट क्या बताना है, मिनिमम या मैक्सिमम? हमें प्रोडक्ट बताना है मिनिमम, x y z का प्रोडक्ट मिनिमम। यहां पर प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 34, वहां पर प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 48। तो प्रोडक्ट मिनिमम कहां आने लग रहा है? यहां पर आने लग रहा है। तो हमसे प्रोडक्ट ही पूछा है उसने, x y z का वैल्यू नहीं पूछा मुझसे, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा? 34 होगा। 34 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से किए जाएंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में और कोई चीजें हिट नहीं कर रही है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं सोचने वाली जो हमें सोचनी होती हैं। सबसे पहली चीज तो हम लोगों को यहां पर यह सोचनी है यार, सबसे पहली चीज तो हम लोगों को यहां पर यह सोचनी है कि दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो ये वाला केस तो ऐसे ही बाहर हो गया ना, ये वाला केस तो ऐसे ही बाहर हो गया। अब दो नेचुरल नंबर सम अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 into 19 यहां पर डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। y 1 है, x प्लस जेड का सम 19 है। अब ये इसके अलावा, क्योंकि 19 को हम किसी और तरह से दो नंबर्स के प्रोडक्ट में नहीं ब्रेक कर सकते, या तो 1 into 19 या 19 into 1, तो 1 into 19 या 19 into 1, तो 1 into 19 कर दिया हम लोगों ने। यहां पे y 1 है, ये तो फिक्स हो गया, y 1 है, x प्लस जेड का सम 19 है, y 1 है, x प्लस जेड का सम 19 है, ठीक है। अब 51,
इसमें से मैंने जेड कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया वाई प्लस एक्स, इसको 1 × 51, 51 × 1, 3 × 17, 17 × 3, दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो ये वाला केस तो बाहर। ये वाला केस कैसे बाहर हुआ था भैया? अगर x प्लस जेड का सम 19 है, अगर x प्लस जेड का सम 19 है, जेड 1 है, तो x 18 आना चाहिए, और y तो 1 ऑलरेडी डिसाइड हो गया ना, y तो की वैल्यू तो 1 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। y अगर 1 है तो यहां से x 50 आ रहा था, इसके अकॉर्डिंग x कितना होना चाहिए अगर जेड 1 है तो 18 होना चाहिए, तो ये वाला केस इसलिए बाहर हो गया। ठीक है, x प्लस जेड का सम 19 होना चाहिए, यहां पे 51 आ रहा था, ये भी बाहर हो गया। ठीक है, एंड फिर मैंने बनाया ये वाला केस, ये दोनों केस वैलिड थे मेरे, ये दोनों केसेस वैलिड थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं जेड को 17 लेता हूं, जेड को 17 लिया तो x कितना आएगा 2, जेड को 17 लिया तो x कितना आया 2 आया, y 1 था, ये केस सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेना। अगर मैं जेड को 3 लेता हूं, जेड को मैंने 3 लिया तो x कितना आने लग रहा है अपने पास, 16 आने लग रहा है, वाई तो 1 था ही, तो ये दो केसेस बने मेरे। इन दोनों केसेस से मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट हमारा 34 आने लग रहा है, वही मुझसे पूछा गया था। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड दीज आर द टू क्वेश्चंस, नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन जो आपको करना है और जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। दिस वन इज योर होमवर्क गाइस। व्हाट आई रियली वांट कि आप इसमें अपना 100% दें, इस क्वेश्चन को ट्राई करो भी बैठ के, वीडियो को पॉज करके, और मुझे इसका आंसर इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से गाइस। ठीक है, एंड इसका आंसर मुझे इसके कमेंट सेक्शन में चाहिए हर हालत में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।